हार से बौखलाए पोलार्ड ने अपने खिलाड़ी पर बरसाए घूसे। जी हां दोस्तों, वनडे सीरीज के सफल सिलसिले को भारतीय टीम ने टी20 सीरीज में भी जारी रखा है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को टी20 सीरीज के पहले मैच में 6 विकेट से हरा दिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने वनडे के बाद टी20 सीरीज में भी अच्छा आगाज किया। कोलकाता के ईडन्स गार्डन स्टेडियम में बुधवार 16 फरवरी को खेले गए पहले टी20 में डेब्यू कर रहे लेग स्पिनर रवि बिश्नोई समेत गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को सिर्फ 157 रन के स्कोर पर रोक दिया। उसके बाद टीम इंडिया ने कप्तान रोहित शर्मा की धमाकेदार शुरुआत से तैयार बुनियाद का फायदा उठाते हुए 19वें ओवर में जीत दर्ज कर ली। इसके साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इस साल के टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों की शुरुआत के तौर पर देखी जा रही इस सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने एक नए खिलाड़ी को आजमाया और इसका अच्छा नतीजा भी मिला। टीम इंडिया ने 21 साल के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को मौका दिया और बिश्नोई ने अपने बेहतरीन गुगली के दम पर वेस्टइंडीज के धाकड़ और ताकतवर बल्लेबाजों को सिर्फ 157 रन तक बांध दिया। भारत के सामने लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था और ईडन्स गार्डन में पड़ रही ओस के कारण इसे हासिल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए था और कप्तान रोहित शर्मा ने इसे सुनिश्चित भी किया। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन आने के बाद रोहित के बल्ले से रन फूटने शुरू हो गए। भारतीय कप्तान ने पिछले कुछ मैचों में टीम इंडिया को पावर प्ले में धुआंधार शुरुआत दिलाई है और एक बार फिर यही काम उन्होंने किया। रोहित के सिर्फ 19 गेंदों में ठोके 40 रन के दम पर भारतीय टीम ने 7 ओवरों में 60 से ज्यादा रन बना लिए थे। रोहित का विकेट गिरने के बाद भारतीय पारी ने अपनी रफ्तार खोई और बीच में जल्दी जल्दी 3 विकेट और गिर गए। तूफानी शुरुआत के लिए ओपनिंग में भेजे गए ईशान किशन उम्मीद के मुताबिक नहीं खेल पाए और 42 गेंदों में सिर्फ 35 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं बेहतर लय में दिख रहे विराट कोहली फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे, जबकि ऋषभ पंत भी जल्दी चलते बने। ऐसे स्थिति में सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर ने पारी को संभाला। सूर्य ने खास तौर पर बाउंड्रियों की कमी को दूर किया और रनों की रफ्तार को फिर से वापस हासिल किया। दोनों ने 5वें विकेट के लिए सिर्फ 26 गेंदों में ही नाबाद 48 रनों की साझेदारी कर डाली। सूर्य ने सिर्फ 18 गेंदों में 35 रन ठोके, जबकि वेंकटेश ने 13 गेंदों में 24 रन बनाए और 7 गेंद पहले ही टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। वहीं दोस्तों, वनडे के बाद टी20 में भी हार के बाद कप्तान किरण पोलार्ड इतना बौखला गए कि उन्होंने गुस्से में ही अपने खिलाड़ी को घूसा मार दिया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे पोलार्ड फील्डिंग के दौरान गेंदबाज ओडियन स्मिथ को गुस्से में ढकेल रहे हैं। आपको बता दें, स्मिथ की गेंदों को भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई की। स्मिथ वनडे सीरीज की तरह टी20 में भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना पाए और इसी से गुस्सा होकर पोलार्ड उन्हें धक्का मार रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि रिबाई कप्तान कितना बौखलाया हुआ है।